I'm Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. आज last and final day मेरी wedding series का, जो लोग मेरी previous videos देखते आ रहे हैं उनको पता होगा मेरे cousin की wedding थी, तो मैंने literally सारे function की series डाली है, लगन की, शादी की. आज last and final day which is reception, तो मुझे लगा end भी कर लेते हैं. We'll do a quick get ready with me. Plus मैं आपको last में outfit भी दिखाने वाली हूँ. Let's see आज मेरी क्या look निकल के आती है. So उससे पहले मैं फटाफट skin care करने वाली हूँ, because सुबह मैंने sunscreen लगाई थी और बहुत अजीब सी congested हो गई है skin. तो फटाफट मैं उस सबको remove करूंगी and then we'll begin with makeup. So starting with face wash, I'll be using the Bioderma CBM Gel Mousson, which is an ultra gentle soap free formula face wash. It maintains the pH level of your skin without making it ultra dry. तो अच्छे से स्किन को क्लेंज भी कर देता है और स्किन मेरी इतनी ड्राई फील नहीं होती. ये जो वेरियंट है स्पेसिफिकली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है. सो अगर आपको एक्ने के इशू हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, ये फेस वॉश आपके लिए परफेक्ट है. इसके अंदर जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जो स्किन को क्लेंज करता है, रिड्यूस करता है ब्लेमिशेज को. आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी सारे ब्लेमिशेज हैं अभी, तो ये उस पर भी वर्क करता है. सेम टाइम ये लिमिट करता है सीबम सिक्रीशन को. इसके बाद मैं जो मेकअप करने वाली हूँ वो मेक श्योर करेगा कि मेरे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन ना हो. एंड आई लव द वे इट क्लेंजेस माय स्किन थरली. ऑल्सो ये नॉन कॉमेडोजेनिक सोप फ्री एंड नॉन ड्राइंग फेस वॉश है. नाउ मूविंग ऑन टू द मॉइस्चराइजर. नाउ सिंस मैं एक हैवी मेकअप करने वाली हूँ और अभी मेरी स्किन हल्की सी ड्राई है और मेकअप क्रैक होता है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा की सीबीएम हाइड्रा मॉइस्चराइजर. ये जो मॉइस्चराइजर है ये स्पेसिफिकली इन्होंने बनाया है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, जो एक्ने के ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है. लाइक अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करते हो, सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हो, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं. सो उसको एक कहीं ना कहीं कंपनसेट करता है. ये भी मॉइस्चराइज करता है 24 आवर्स के लिए. इसके अंदर ग्लिसरीन है, सेरामाइड्स हैं, जो कॉम्बैट करते हैं जो भी ड्राइनेस होती है, जो भी टाइटनेस होती है ना स्किन पर, उसको कहीं ना कहीं क्योर करने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर एंटी इरिटेटिंग प्रॉपर्टी है. एलनटॉइन है जो सूथ करता है स्किन को, रेडनेस को कम करता है. सो अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट की वजह से रेडनेस हो गई है, ये मॉइस्चराइजर आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगा. अगेन दिस इज फॉर ऑयली एक्ने प्रोन एंड कॉम्बिनेशन स्किन. ऑल्सो ये नॉन कॉमेडोजेनिक है और एकदम परफेक्ट है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप. आप इसको अपने हैवी मेकअप से पहले अप्लाई कर सकते हो. इट विल मेक श्योर कि आपका मेकअप लास्ट करे. इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद ऑल द डिटेल्स. सो प्लीज चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद मेकअप बेस. मैं पूरा मेकअप बेस आपको करके नहीं दिखाने वाली. मैंने जस्ट अभी लगन मेकअप लुक जो बनाया था उसमें मैंने यही प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे. लैक्मे का प्राइमर था, फाउंडेशन मेबलिन सुपरस्टे का और ये क्रायलॉन का ऑरेंज करेक्ट. अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर. मैं यूज़ कर रही हूँ ये न्यू लॉन्च जो हुआ है के ब्यूटी का कंसीलर. ये भी इनका HD कंसीलर है जो कहीं ना कहीं हाइड्रेटिंग है स्किन के लिए. सो अगर आपकी ड्राई हो जाती है अंडर आइज या फिर वैसे भी आपका फेस ड्राई हो जाता है मेकअप करके, ये कंसीलर स्पेसिफिकली नरिश करता है. नाउ मैंने जो शेड ले लिया है ये वाई शेड है बेसिकली, जो इसका अंडरटोन है वो येलो अंडरटोन. आप देख सकते हो उसका कितना डीप येलो अंडरटोन है. तो आई थिंक मैंने गलत पिकअप कर लिया इस मेकअप लुक के लिए. मैं वैसे हाइलाइटिंग कंसीलर यूज करती हूँ बट मैंने इसको आगे करेक्ट कर दिया था. आप देखते जाना, मेरे पास बहुत कम टाइम था रेडी होने के लिए. मेरा आउटफिट के चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो मैं काफी जल्दी मेकअप कर रही थी. सो इसका मुझे अंडरटोन काफी सही लगा. अगर आप लेस मेकअप लुक सॉर्ट ऑफ कर रहे हो, आप खाली कंसीलिंग करने वाले हो ना, ये येलो अंडरटोन वाला कंसीलर आप पिकअप कर सकते हो. के ब्यूटी का फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों ही काफी अच्छे हैं. दे हाइड्रेट योर स्किन वेरी वेरी वेल और स्किन आपकी ड्राई इतनी फील नहीं होती. मैंने फटाफट इसको अपने लोअर कॉन्टोर एरिया में लगाया, माउथ के आसपास जहाँ पे ब्लैक थोड़ा सा पिगमेंटेशन होती है वहाँ पर अप्लाई कर लिया था. अब इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर इन द वेरिएंट शुगर कुकी. ये ट्रांसलूसेंट वाइट कलर का एकदम लूज पाउडर है जो काफ़ी अच्छे से स्किन को सेट भी कर देता है और ये बिल्कुल फाइनली मिल्ड है. मतलब जितना ही प्राइस पे आप इसके लिए करोगे ना, इट इज़ एक्चुअली वर्द द प्राइस. नायका पर आपको अच्छी डील पर मिल भी जाता है. द ओनली थिंग इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगती. इसमें मैश का एक नेट सा लगा हुआ है जिससे प्रोडक्ट निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको इस कैप पर लेती हूँ और फिर अप्लाई करती हूँ. सो जो वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर है ना, कहीं ना कहीं सेट भी करेगा. और जहाँ जहाँ पर मैंने वो ऑरेंज सॉर्ट ऑफ एक कंसीलर लगा लिया ना के ब्यूटी वाला, मैं वहाँ पर इसको बेकिंग भी करूँगी ताकि इसकी जो वाइटनेस है ना उसे कहीं ना कहीं एक हाईलाइटिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाए. आप भी यही कर सकते हो. आप अगर खाली फाउंडेशन यूज़ करने वाले हो, आपको अंडर आइज को हाईलाइट करना, आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हो. सो इसको मैं अभी लगा के छोड़ दूंगी बिकॉज मैं जब आई शेडो लगाती हूँ काफ़ी बार पिगमेंट गिर जाता है आपकी अंडर आइज के नीचे. सो ये लूज पाउडर जब लगा रहेगा ना, इसकी वजह से पिगमेंट स्टिक नहीं होगा. इसको जब मैं रिमूव करूँगी तो वो पिगमेंट भी हट जाएगा. फटाफट मैं पूरे फेस को सेट करी अच्छे से ताकि लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हो. अब मैं यूज करने वाली हूँ ये फेसेस कैंडा का अल्टाइम प्रो आई शेडो पैलेट. सच एन अमेजिंग पैलेट. इसके कलर, इसके जितने भी शेड्स है ना, वो एकदम परफेक्ट है कोई भी इंडियन लुक के लिए. और मैंने जो आउटफिट पहना है आज इस लुक के लिए, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, उसके अंदर यही ब्राउन गोल्डन टोन के शेड्स उसके अंदर जा रहे थे. सबसे पहले मैंने बिल्कुल ये लाइट कलर पिकअप किया है. अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज के ऊपर. एज आई ऑलवेज से, जो सिंपल रूल होता है आई शेडो का, सबसे पहले आपको लाइट कलर पिकअप करना होता है और उसको अपनी क्रीज को एक बनाना होता है. अब मैं उसके साथ वाली हल्का सा डार्क कलर ले
रही हूँ उसको बाहर पहले प्लेस कर रही हूँ और फिर मैं उसको अंदर की तरफ ड्रैग करती जाऊँगी। आई जस्ट यूज़ फैनिंग मोशन जो हम यूज़ करते हैं अपने ब्रश से, अच्छे से एक क्रीज मैं ड्रॉ कर रही हूँ इससे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्लावर ब्यूटी का गिमी गोल्ड पैलेट। ये कहीं ना कहीं ये जो फेसेस कैनेडा का पैलेट है ना उसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव ड्यूप आप बोल सकते हो। आई थिंक दोनों का प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है बट दिस इज़ सो गुड। इसके ना गोल्डन के जो आपको टोन्स मिलते हैं ना, आई डोंट थिंक कोई भी पैलेट आपको ऐसे टोन्स देता होगा। ये भी आपके इंडियन सॉर्ट ऑफ लुक के लिए परफेक्ट पैलेट है। सो मैंने गोल्डन कलर पिकअप किया बिकॉज ये सेम मेरे आउटफिट जैसे ही गोल्डन कलर है। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी इनर कॉर्नर से लेके मिड तक, मैं इसको ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, आई विल हाईली रिकमेंड दिस। मैं जब भी फ्लावर ब्यूटी पर डील आती है नायका की, मैं हमेशा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करती हूँ। आई शेयर ऑल द डील्स ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल। अभी बिल्कुल लाइट सा और सिल्वर कलर है, मैंने वो पिकअप किया है, थोड़ा एक्सेस मैंने हाथों पर लगा दिया और अब मैं इसे इनर कॉर्नर हाईलाइट करने वाली हूँ। वेन एवर यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वेडिंग पार्टी मेकअप, हमेशा इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया करो। इस ट्रिक से ना आपकी आईज इतनी बड़ी दिखती हैं, ग्लूमी दिखती हैं, आपकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती हैं। तो अगर आपकी ओवरऑल आईज अगर डल है ना, ये ट्रिक हमेशा किया करो। अब मैं एक आई शेडो का एप्लीकेटर ले रही हूँ और एक ब्राउन टोन मैंने इस पैलेट में से कलर पिकअप किया और उसको मैं लोअर वाटर लाइन के पास लगा रही हूँ, लैश लाइन के पास बेसिकली। सो इससे क्या होता है, मेरी आई शेडो लुक थोड़ी सी कंप्लीट दिखती है, ऊपर ब्राउन टोन जाता है, नीचे कुछ नहीं होता तो खाली खाली लगता है। मैं एक चीज़ भूल गई थी जो मैंने बिल्कुल लास्ट में करी है, वो देखते जाना, बहुत जल्दी जल्दी मैंने मेकअप किया था। फटाफट मैंने अपना फेवरेट आई लाइनर लगा लिया, लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन लाइनर। मैं फॉल्स लैशेज नहीं लगाती, मैं इसलिए जो ये विंग लाइनर बनाती हूँ। अगर आप फॉल्स लैशेज लगाते हो ना, आप विंग लाइनर स्किप कर सकते हो। मेरा मन था उस दिन फॉल्स लैशेज लगाने का बट अगेन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। नाउ आई एम यूजिंग माई फेवरेट मस्कारा, आजकल जो मेरा करंट फेवरेट चल रहा है ये है टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा एंड ओ माई गॉड इट इज़ वर्थ योर मनी। इसकी वॉन्ड इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन करी हुई है, ये अच्छे से मेरी लैशेज को कर्ल करता है, कोट करता है, बिल्कुल मेरी लैशेज क्लम्पी नहीं होती है। एंड यू कैन सी एकदम लग रहा है फॉल्स लैशेज वाली लुक आती है। सो अगर आप भी फॉल्स लैशेज नहीं लगाना चाहते, यू वॉन्ट नाइस लॉन्ग लैशेज, ये मस्कारा ट्राई करना। इसका एक मिनी वर्जन भी आता है जो थोड़ा सा सस्ता आता है, वो लेके ट्राई कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ ये फ्लावर ब्यूटी का ये ब्लश बॉम। आई ऑलवेज यूज लिक्विड ब्लशेज बिकॉज ये ज़्यादा स्टे करते हैं। मैं जब भी वेडिंग या पार्टी मेकअप के लिए पाउडर ब्लश यूज़ करती हूँ, फटाफट मेरी स्किन से हट जाता है, पता भी नहीं चलता कुछ टाइम के लिए। सो मैंने पहले हल्का हल्का लगाया, फिर मैं धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज करती हूँ ताकि एकदम ज़्यादा ना हो जाए। लव दिस वन, ये हल्का सा आपको शायद एक्सपेंसिव लग सकता है बट सेल पे आपको ये डील पे मिल जाएगा। बट आपको खाली एक टाइनी ड्रॉप चाहिए होती है, सो डेफिनेटली जो पूरी ट्यूब है बहुत लंबी चलने वाली है। अब मैं करूँगी कॉन्टोर और मैंने लिया है के ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट, सच एन अमेजिंग पैलेट। इसके अंदर आपको तीन शेड्स मिलते हैं, एक बिल्कुल लाइट शेड मिलता है, दो आपको डार्क शेड मिलता है। मैंने मिडिल वाला शेड लिया बिकॉज उसका जो अंडरटोन है ना वो मेरी स्किन से मैच होता है, तो मैंने अच्छे से कॉन्टोर कर लिया, थोड़ा सा जॉ लाइन के पास भी लगा लिया था। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा कॉन्टोर लेना चाहिए, आप ये पैलेट पिकअप कर सकते हो। आपको उसमें दो कॉन्टोर एक कॉम्पैक्ट शेड मिल जाता है, मल्टीपर्पज़ पैलेट है। सो आप एक में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी बार मैं इसको आई शेडो की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ फॉर मेकिंग माई क्रीज। फटाफट मैंने कॉन्टोरिंग कर ली, डबल चिन को मैंने छुपाने की कोशिश करी है बट वो छुपती नहीं है। अब मैं करने वाली हूँ सेट एंड दिस इज माई करंट फेवरेट मैक का फिक्स प्लस। ये इनका नॉर्मल वेरियंट है, इनके और भी वेरियंट्स आते हैं, मैंने बेसिक वाला वेरियंट लिया है। इससे मैं अच्छे से दूर से स्प्रे कर रही हूँ, हमेशा मेकअप सेटिंग स्प्रे को दूर से स्प्रे किया करो, बहुत पास से करोगे ना तो केकी हो जाता है मेकअप। अब मैं इसको ड्राई होने दूंगी। सो अभी मेरी स्किन हल्की सी डैम्प है, सो मैं इसके ऊपर हाइलाइटर लगाती हूँ। ये बहुत अच्छी ट्रिक है अपनी हाइलाइटर को और पॉपिंग दिखाने की। हल्की सी जब आप स्प्रे लगाने की वैसे आपकी स्किन डैम्प होती है ना, उस पर फटाफट हाइलाइटर लगाओ, वो हाइलाइटर स्टे भी करता है बहुत लंबे टाइम के लिए और ज़्यादा अच्छा ग्लो देता है। ये मैं मैक का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे मैंने आप जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में दिखाए हैं सबके आपके नायका के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज़ चेक कर लेना। जो भी शेड नेम्स होंगे, जो भी लिंक होंगे, आपको सब मिल जाएंगे। फटाफट मैंने हाइलाइटिंग कर ली यूजुअल एरियाज पे जहाँ करते हैं। सो लिपस्टिक के लिए मैंने फर्स्ट सबसे पहले लगाई है ये टच ऑफ स्पाइस, मेबलिन की क्रीमी मैट की रेंज है। टच ऑफ स्पाइस वन ऑफ माय फेवरेट शेड, ये मेरा कॉलेज टाइम से फेवरेट शेड है जो मैंने रीपर्चेज कर लिया। मैंने कॉम्बो पैक लिया था, इसका दूसरा शेड मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बिकॉज मुझे लिपस्टिक ओवरऑल अभी डल लग रही थी, वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो फटाफट मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग अप कर लिया बिकॉज मेन मेरी तैयारी हो गई थी। मैंने सबसे पहले स्प्रे लगाया, इसको कहते हैं हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में दिखाया है, बी ब्लंट का है ये। ये अच्छे से कोट कर देता है आपके बालों को, सो आप जो भी स्ट्रेटनिंग या जो भी स्टाइलिंग करते हो उससे बाल आपके डैमेज नहीं होते। दो आपके बाल थोड़े बहुत डैमेज होंगे बट इस स्प्रे से कहीं ना कहीं एक फ़र्क पड़ता है, आपके बालों का जो डैमेज लेवल है थोड़ा सा कम हो जाता है। प्रेसिंग मैंने फटाफट करी, एज आई टोल्ड यू बिल्कुल टाइम नहीं था, सो अब मैंने फटाफट चेंज कर लिया था। मैं पहनने वाली हूँ ये लहंगा वाली जैकेट, मैंने लास्ट टाइम अपने फ्रेंड के एक फंक्शन में प्रॉपर लहंगा के साथ ये जैकेट पहनी थी जो पूरा सेट आता है, लेकिन इस बार मैंने खाली जैकेट पिक करी और ये अमेजोन से जो मैंने पैंट्स ऑर्डर करी थी उसके साथ मैंने इसको पेयर अप किया।
बहुत अच्छा ही पेयर लग रहा था, उसके बाद मैंने ये लिए वाली हील्स, बिकॉज ये जैकेट बहुत लंबी है ना, तो सबसे लंबी जो मेरे पास हील थी मैंने वही इसके साथ पहन ली। ये दोनों ज्वेलरीज मैं डिसाइड कर रही थी मैं कौन सी पहनूँ, दोनों ही ज्वेलरीज मैंने अमेजोन से ली हैं, एक जूल्स गैलेक्सी की है, एक कोई रैंडम किसी ब्रांड की है। सो मैंने ये वाली पहनी है जो एक रैंडम फैशन ज्वेलरी समथिंग ब्रांड की है, मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगी पैंट्स, और इसका लिंक भी दे दूंगी। जो ये जैकेट है बेसिकली, जो लहंगा है, ये करोल बाग से है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी बहुत पहले वाली, ये मैंने करोल बाग की एक शॉप से लिया था, तो इसका मैं लिंक ऑब्वियसली आपको दे नहीं सकती। एंड फाइनली यू कैन से आई एम रेडी, बट एज यूजुअल रेडी होने के बाद थोड़ा सा जब टाइम बचता है ना, मैं अच्छे से चेक करती हूँ कुछ रह तो नहीं गया, और रह गया था, मैंने अपनी लोअर लैश लाइन के पास काजल, वाटर लाइन पे काजल नहीं लगाया था। सो मैंने इस बार ब्लैक काजल लगाया, बिकॉज थोड़ी सी ब्राउन टोन आइज जा रही है ना, तो मैंने कीरो ब्यूटी का हाई डिफाइनिंग का ये पेंसिल ली है। इसका जो कलर है वो वॉयलेट स्मोक सॉर्ट ऑफ कलर है, इसका बहुत अच्छा ब्राउन टोन कलर आता है, यू कैन सी हल्का सा एक इफेक्ट आया आइज के ऊपर, जो ब्लैक भी नहीं लगता बट एट द सेम टाइम मेरी आइज डिफाइन लगती है। आई रियली लाइक दिस काजल। फटाफट मैंने अपनी आईब्रोज को फिल भी कर लिया था, ये है बेनिफिट की गूफ प्रूफ पेंसिल जो आती है, हल्का सा ब्राउन टोन में ब्लैकिश ग्रे जो टोन होता है, तो मैंने इसको फिल कर लिया था फ्रंट पोर्शन में और कॉम कर लिया था। मैं लैशेज पे इतना वर्क नहीं कर रही, मेरी लैशेज ऑलरेडी काफी बुशी है ना, तो मैं इतना फिल इन नहीं करती उनको, बिकॉज फिर वो बहुत ज्यादा रावण वाली आईज लगती है मेरी, तो मैं उसको छोड़ ही देती हूँ। ना लिपस्टिक मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने जो कॉम्बो सेट मंगवाया था अमेजोन से, उसी सेट का मैंने दूसरा शेड पिकअप किया जो है न्यूड नुआंस। सो जो टच ऑफ स्पाइस था वो थोड़ा सा पिंक टोन का कलर है, और जो न्यूड नुआंस है स्ट्रेट अप ब्राउन टोन कलर है। सो पूरी जो लुक है वो थोड़ी सी ब्राउन गोल्डन टोन में जा रही है, इसलिए मैंने लिपस्टिक को भी थोड़ा सा ब्राउन टोन रखा है, ताकि पूरा एक लुक जो है थोड़ा इवन आउट रहे। सो उसी के ऊपर मैंने न्यूड नुआंस लगा लिया था, एंड नाउ द लुक लुक्स कंप्लीट, कहीं ना कहीं जो पूरी लुक है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब लिपस्टिक भी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एंड दिस इज हाउ द फाइनल मेकअप लुक लुक्स लाइक। आई रियली लाइक द वे इट टर्नड आउट, एकदम मैच कर रहा है मेरे आउटफिट से जो ब्राउन गोल्डन टोन होती है। एंड लास्ट में जाते जाते मुझे याद आया कि मेरी जो बोन है ये भी दिख रही थी, अगर आपके किसी आउटफिट में बोन दिखती है ना, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, इससे पिक्चर्स आपकी काफ़ी अच्छी आती है, यू कैन डेफिनेटली यूज इट। एंड नाउ लेट्स गो। मैगन दिख रही वेडिंग सीरीज, बाय बाय। कैसे एंड करते हैं हम, क्या बोलते हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल।
वेलकम बैक भी एंड कर रहे हैं हम। बाय बाय।